पानी से बेहाल सिस्टम लाचार। बरसता आसमान आफत ने जान। कर्नाटक के शहरों में जल तांडव। पानी का प्रहार, बेंगलुरु में हाहाकार। बेंगलुरु में बाढ़ की इमरजेंसी। बाढ़ बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ का सामना कर रहा है। राजधानी बेंगलुरु का बुरा हाल है। लोगों के घर से बाहर निकलने उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बिजली और पानी का संकट भी। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खड़ा हो गया है। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी है। बेंगलुरु में बीती रात भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कर्नाटक के लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यह है सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। देश की आईटी सिटी का सिस्टम बाढ़ बारिश की चपेट में आकर बुरी तरह हिल गया है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हाईटेक सिटी में हाहाकार मचा दिया है। यहाँ की सड़कें नहरों में बदल गई हैं, तो दफ्तर जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टरों की मदद से पहुंचना पड़ रहा है। हालात ये है कि 50-50 रुपए देकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दफ्तर जा रहे हैं। सब खत्म हो चुका है। ऑल द हाउसेस 12 फीट इन आर लेन सी लेन। कौन सा अपार्टमेंट है वो? एप्सिलॉन विलास। एप्सिलॉन विलास। कितने फैमिलीज होंगे उसके? अराउंड 150। तो अब आप लोग मतलब क्या डिसाइड कर रहे हैं? अपनी जान बचा के भाग रहे हैं बस। बेंगलुरु की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ियां पानी में समा चुकी हैं, जबकि ऑफिस आने जाने के लिए लोग जेसीबी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु ने पिछले 32 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी, लेकिन आज के हालात सिलिकॉन सिटी पर सितम बनकर टूटे हैं। लोगों के घरों के बाहर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर से बाहर निकलने पर लोगों को ट्रैफिक जैम से भी जूझना पड़ रहा है। बेंगलुरु में जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है झीलों पर होने वाला अतिक्रमण। आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु में 204 झीलें हैं। इनमें से करीब 180 की संख्या ऐसी है जिन पर अतिक्रमण का साया है। यही वजह है कि जब भी बारिश आती है तो पानी का बहाव झीलें समेट नहीं पाती। शहर की 164 झीलें लबालब भर गई हैं। कर्नाटक के साथ साथ केरल और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।